की बात कर रहे हैं, राइट। कोविड-19 मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर ही हमारा क्या आ जाता है, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। तो मैं आज, क्योंकि रोज तुम लोग फोन भी करते रहते हो, ठीक है, और बिल्कुल कर भी सकते हो, इतना ज्यादा अगर देखा जाए पैंडमिक है, इतना ज्यादा टेंशन है हर जगह, ठीक है, मैं सबके फोन उठा भी रहा हूँ आजकल, दिन भर मैसेज करता रहता हूँ, कम से कम 1,000 लोगों को कोविड की दवा बता चुका हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, कोविड-19 मैनेजमेंट हम लोग बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के। देखो, ये एम्स न्यू दिल्ली ने ये आपका ट्रीटमेंट और सीवियरिटी का प्रोटोकॉल बताया था 8 सितंबर 2020, मतलब जब हमारे पास इंडिया में पहली बार कोविड आया था। इन्होंने सही क्लासिफाई किया माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज, सीवियर डिजीज। इसके पहले हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स ही पढ़े हैं, तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डर वाइज पढ़ रहे हैं, लेकिन पैथोजेनेसिस छोड़ के हम लोग बात करने लगेंगे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और मेनली क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। माइल्ड डिजीज है तो मैं कह रहा हूँ, जैसे किसी को भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे जुकाम है, खांसी है, बुखार है, नाक बंद है, सोर थ्रोट है, यहाँ तक पेशेंट को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई, ठीक है, और जब आपने यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 मेजर किया, दैट इज ग्रेटर देन 94%, माइल्ड डिजीज है, ठीक है। हम लोग कहते हैं अगर किसी को माइल्ड डिजीज है, सीवियर में तो बेड मिल नहीं रहा है, माइल्ड में मिलने से रहा, होम आइसोलेशन, ठीक है। अब देखो, पहले जब ट्रीटमेंट देते थे तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते थे, आज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का नामो निशान नहीं है, ये एम्स की गाइडलाइन है, इसी को फॉलो किया जाता था। हमने भी ड्यूटी के टाइम पे बहुत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाई है, पता नहीं उसने कितना नुकसान किया होगा, खासकर कार्डियक डिजीज वालों को तो बिना सोचे दिया नहीं जाता। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं माइल्ड डिजीज है, फिर मॉडरेट डिजीज में आप लोग देख पा रहे हो, इसको जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ये आपका माइल्ड डिजीज हो गया, ये मॉडरेट डिजीज हो गया। मॉडरेट डिजीज में आप लोग देख रहे हो, जब किसी एडल्ट पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 24 हो जाए, 5 साल से ऊपर का बच्चा, नीचे का बच्चा हो तो ऊपर का बच्चा हो तो रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा हो, उसके नीचे हम लोग अलग तरीके से एज वाइज क्लासिफाई करते हैं, लेकिन अभी मेनली हम लोग इसको प्रोटोकॉल को एडल्ट के वाइज पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों में तो सीवियरिटी बहुत कम है। अगर यही आपका रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 30 हो जाए और सेचुरेशन 90 से कम हो जाए बिना ऑक्सीजन लगाए, तो हम लोग कह देते हैं सीवियर डिजीज है। तो यहाँ पे तीनों का डिफरेंट प्रोटोकॉल है और ये आज और चेंज हो चुका है, तो अभी हम लोग न्यू गाइडलाइन की भी बात करेंगे, लेकिन कोविड में कोई भी चीज अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर पेशेंट को कम से कम दवा में ठीक किया जा सकता है तो कम से कम दवा देनी है, ठीक है, वरना दवाओं की भी काफी साइड इफेक्ट्स हैं। आप लोग देख रहे हो, ज्यादातर लोग जो आईसीयू में जा रहे हैं, कुछ तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से डेथ हो रही है, कुछ की किसी और प्रॉब्लम से भी डेथ हो जा रही है, जैसे कार्डियक फेलियर हो गया, रीनल फेलियर हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स यूज कर रहे हैं वो हिपेटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक है, खासकर मेनली रेमडेसिविर, ठीक है। तो आइए हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिजीज, और ये भी देख लेते हैं किन पेशेंट्स में सीवियर डिजीज या कोविड से शहीद हो जाने का खतरा ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ कोविड-19, क्लासिफिकेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे, पहली चीज लिख लेते हैं, फीवर, बॉडी एक आर नॉट इंक्लूडेड इन क्राइटेरिया ऑफ सीवियरिटी, ओनली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ठीक है। जैसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इतने सारे फोन आते हैं, आज फीवर 103 आ गया,
अरे यार फीवर 103 इसके पहले भी आया होगा, अगर सेचुरेशन ठीक है तो चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, फीवर 110 भी आ जाए ठीक है, ओनली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डिटरमाइन द सीवियरिटी, राइट। तो अभी अभी हम लोगों ने ताजा ताजा देखा है ऊपर, इट कैन बी ऑफ माइल्ड मॉडरेट सीवियर। माइल्ड में हम लोग कहते हैं घर पे रहो ठीक है, कुछ जरूरी मेडिसिन जैसे आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, पैरासीटामोल, ये सब चीज हम लोग एडवाइस कर देते हैं। मॉडरेट में हम लोग कहते हैं कि अब पेशेंट को वार्ड में एडमिट करो ठीक है, अगर इससे ज्यादा सीवियरिटी हो गई तो हम लोग कहते हैं पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करो, तो भी बच जाए तो बड़ी बहुत बड़ी बात है ठीक है। मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम ही लोगों में से एटलीस्ट 10-15 स्टूडेंट को कोविड पॉजिटिव इसी समय होगा ठीक है, चलिए वो सब इररेलेवेंट है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, सीवियरिटी को हम लोगों ने डिवाइड किया है COVID-19 को माइल्ड मॉडरेट सीवियर में, चलिए एक तरफ ले लेते हैं माइल्ड, फिर ले लेंगे मॉडरेट, और फिर ले लेंगे हम लोग सीवियर। नंबर 1 माइल्ड, माइल्ड कब कहेंगे, टेम्परेचर कहीं से नहीं आया, हम लोग कहते हैं माइल्ड में, जैसे मान लीजिए हम लोगों को बाकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं राइट, जैसे मैंने कह दिया किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, किसी को सोर थ्रोट हो गया है ना, तो हम लोग कहते हैं कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स और पेशेंट में उसके साथ एंड और फीवर विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हाइपोक्सिया ठीक है। अभी हाइपोक्सिया की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे एग्जाम्पल कॉफ एंड कोल्ड, कॉफ एंड कोल्ड, सोर थ्रोट, नेजल ब्लॉकेज एसेट्रा ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस फीवर, कुछ लोगों को फीवर नहीं आता, विदाउट ब्रेथलेसनेस, विदाउट ब्रेथलेसनेस, पेशेंट ये ना बोले कि उसकी सांस फूल रही है, एंड हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई। अभी हम आपको दिखाएंगे पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है। तो पहले वाले ग्रुप में माइल्ड में हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट को हल्का फुल्का सर्दी खांसी जुखाम, सोर थ्रोट, नेजल ब्लॉकेज, बॉडी एक, फीवर, लिथार्जीनेस सब हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट चैन से सांस ले रहा है ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं सबसे ज्यादा पैनिक माइल्ड वाले ही करते हैं, मॉडरेट वाले सीवियर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, माइल्ड वाले घर पे रहते हैं ठीक है, इतना पैनिक है देश दुनिया में कि क्या बताएं। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं होम आइसोलेशन एंड फ्यू ओरल मेडिसिंस, राइट। आगे चल के देखेंगे कि ओरल मेडिसिंस क्या है, हिंट आपको मैंने दे दिया है, पहले क्लोरोक्विन देते थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, अब डॉक्सी दे रहे हैं, आइवरमेक्टिन दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं और कुछ मल्टीविटामिन्स अलोंग विद पैरासीटामोल। फिर हम लोग कह देते हैं मॉडरेट, मॉडरेट की अगर बात करें अभी तक चीजें काम भर की कंट्रोल हैं, मॉडरेट मैंने कह दिया, अब उन्हीं के साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रेजेंट हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फीवर और हाई ग्रेड हो गया, बॉडी पेन और ज्यादा हो गया, केवल मैंने कह दिया यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, एनी वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, वो चार्ट आप लोग देखते रहिएगा, ट्रीटमेंट पार्ट उसका चेंज हो गया है और आगे जो दिखाएंगे वो भी कल को चेंज हो जाएगा, लेकिन ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि करेंटली क्या चीज फॉलो हो रही है। यहाँ पे मैं कहता हूँ दो क्राइटेरिया है, एक तो रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 24 पर मिनट हो जाए, दूसरा मैं कह रहा हूँ पेशेंट का सेचुरेशन विदाउट ऑक्सीजन लेस देन 90% हो, 94% हो जाए ठीक है। इसका मतलब अब दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है, अगर अब ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दोगे तो हो सकता है सीवियरिटी बढ़ जाए, हो सकता है पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर
हम लोग इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि रेस्पिरेटरी फीचर्स क्या हैं, रेस्पिरेटरी रेट क्या है और पेशेंट का सैचुरेशन क्या है, ठीक है। और अगर हम लोग सब्जेक्टिवली पूछें तो पेशेंट से पूछेंगे कि ब्रेथलेसनेस है कि नहीं है, राइट। साइकोलॉजिकल ब्रेथलेसनेस होगा तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, ऐसा कुछ है तो आप रेस्पिरेटरी रेट देख लीजिए और सैचुरेशन देख लीजिए। यहाँ पे मैं कहूँगा कि पेशेंट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, घर नहीं कहेंगे मैनेज करने को, अगर बेड होगा तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटलाइज करने के बाद हम लोग कहेंगे वो कहाँ पे, हॉस्पिटल वार्ड में, ठीक है, आईसीयू में नहीं, वार्ड में। अब आइए देखिए, अच्छा यहाँ पे होम है, आइसोलेटेड रहेगा, ये नहीं कि होम में सबके साथ रहेगा। फिर हम लोग थर्ड कह देते हैं, रेड से लिख लेते हैं, सीवियर। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इलनेस काफी सीवियर है, बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, हमेशा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के ही बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। और यहाँ पे सिम्टम्स वही आपके और सीवियर हो गए। पहला मैंने कह दिया रेस्पिरेटरी रेट अब ग्रेटर देन 30 पर मिनट हो गया। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है ह्यूमन का, एडल्ट का 12 to 16 पर मिनट, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो 10 to 18। और दूसरा क्राइटेरिया है, मैंने कह दिया अभी ऑक्सीजन बिना लगाए सेचुरेशन इनका लेस देन 90% पहुँच गया। अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, इनको हॉस्पिटलाइज कराइए और इनको प्रोवाइड करिए आईसीयू। हो सकता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जैसे हाई नेजल कैनूला, हाई फ्लो नेजल कैनूला लगाना पड़े, सीपैप लगाना पड़े, ठीक है, या इवन वेंटिलेटर। आजकल प्रोन पोजीशन का भी एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कह रहे हैं हॉस्पिटलाइज तो करोगे ही, और हॉस्पिटलाइज कहाँ पे करेंगे, आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट, राइट। तो बिल्कुल सिंपली हम लोगों ने देख लिया है, जब बात करते हैं COVID-19 मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि COVID-19 ही है कि नहीं, तो बाकी क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफाई कर लेंगे वेदर द डिजीज इज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर माइल्ड है, कितना भी फीवर आ रहा हो, अगर उसे ब्रेथलेसनेस नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि घर जाओ, एक रूम में अपने आप को आइसोलेट कर लो, ठीक है, जब तक कोविड टेस्ट नेगेटिव ना हो जाए आइडियली, तब तक रूम से बाहर नहीं आना है, ठीक है, और अपना टेम्परेचर और सेचुरेशन मेजर करते रहिए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं माइल्ड में कोई पेशेंट का सेचुरेशन फॉल नहीं है, पेशेंट को एटलीस्ट सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फीवर, बॉडी एक, बाकी सिम्टम्स कितने भी हों। अगर मॉडरेट की बात करें, अब कहेंगे कि ब्रेथलेसनेस और डिस्निया स्टार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया, टैकिपनिया और ऑक्सीजन बॉडी का कम होने लगा, मतलब हाइपोक्सिया, ठीक है। और फिर हम लोग कहते हैं सीवियरिटी और ज्यादा हो गई, रेट और ज्यादा हो गया और सेचुरेशन फॉल और ज्यादा हो गया। पहले में होम आइसोलेशन किए थे, कुछ ड्रग्स यहाँ पे देंगे, फिर हॉस्पिटलाइज कर देंगे वार्ड में, और फिर हॉस्पिटलाइज करेंगे आईसीयू में, राइट। अब हमें मॉडरेट और सीवियर में इंजेक्टेबल ड्रग्स भी देने पड़ेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग ये देख लेते हैं किन लोगों में डिजीज सीवियरिटी ज्यादा होती है, या किन लोगों में हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा कि कभी भी रेस्पिरेटरी या बाकी मल्टी ऑर्गन फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे और चार्ट ले लेते हैं, किन में सीवियरिटी ज्यादा हो सकती है। देखो बहुत चीजें तो अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन इतने लोगों में हम लोग कहते हैं हाई रिस्क फॉर सीवियर डिजीज। अगर मान लीजिए हमने इनको होम आइसोलेशन में भी रखा है, तो भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ ये लोग कभी भी वर्सन कर सकते हैं। अगर एज 60 से ज्यादा है, मुझे लगता है मुझे छोड़ के किसी की एज 60 से ज्यादा नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूँ सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीजेस इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सबसे ज्यादा जो मॉर्टेलिटी हो रही है वो उन्हीं पेशेंट में हो रही है जिनमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज में भी इससे कम हो रही है,
डायबिटीज एंड अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, जैसे मान लीजिए किसी ने लाइफ में ज्यादा चिल किया हो, HIV या एड्स हो गया हो, ठीक है। क्रॉनिक लंग, क्रॉनिक किडनी, क्रॉनिक लिवर डिजीज, सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज, जैसे मान लीजिए किसी को स्ट्रोक हुआ हो और कोई बहुत मोटा हो गया हो या मोटी हो गई हो, काफी खाते पीते घर के हों, जिनमें रेस्पिरेटरी मसल्स मांस के बीच में बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगा पाए, तो हम लोग कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप्स, हाई रिस्क ग्रुप्स, हाई रिस्क ग्रुप्स। तो सबसे पहला हम लोग कंसिडर करते हैं ग्रेटर देन 60 ईयर्स, ठीक है, होम आइसोलेशन ही करेंगे अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन हमें प्रिपेयर तो रहना है, ग्रेटर देन 60 ईयर्स। दूसरा मैं यहाँ पे नोट करना चाहूंगा आप लोगों को, कोरोना वायरस एस इनहिबिटर पे काम करता है, तो कोरोना वायरस हाइपरटेंशन कराता भी है, अगर किसी को पहले से हाइपरटेंशन है तो कहानी बहुत ज्यादा यहाँ पे समझ लो नेगेटिव है। हाइपरटेंशन, फिर हम लोग कह देते हैं डायबिटीज मिलाइटस, राइट, फिर हम लोग कह देते हैं किसी पेशेंट में अगर लंग की एक डिजीज पहले से हो, जैसे मान लो बहुत फूंकते हो, पहले से ही इनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसिमा हो, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ही नहीं जिंदा रहने देगी, कोरोना तो फिर छोड़ेगा नहीं, ठीक है। या हम लोग कह दें यहाँ पे पेशेंट को एनी क्रॉनिक डिजीज, कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग कहते हैं कि पेशेंट मोटा हो, ओबेसिटी, ओबीज, जो लोग ओबीज होते हैं उनके लंग फंक्शन टेस्ट बहुत अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ये आपके हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, इनमें हमें और ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना है, बेड लेके हॉस्पिटल में रखना है कि हाँ अगर इमरजेंसी हुई तो एडमिट करना पड़ेगा, घर पे ऑक्सीजन को अरेंज करना है, राइट। तो इन लोगों में सीवियरिटी ऑफ डिजीज ज्यादा हो सकती है, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। आगे चल के जब पैथोजेंसिस पढ़ाएंगे तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में बहुत ज्यादा कोरोना सीवियर हो सकता है, क्योंकि कोरोना एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स पे काम करता है, जो कि बॉडी में बीपी रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो बहुत ही सिंपल है, अभी तक हम लोगों ने केवल बात की है सीवियरिटी की, ठीक है। तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर कर दिया है, एक में होम आइसोलेशन कुछ ड्रग्स, फिर मॉडरेट में वार्ड, और फिर सीवियर में आपके पेशेंट को क्या चाहिए होगा, आईसीयू। अब एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का जिक्र जरूर करना जरूरी है, जो आपके पास होना जरूर चाहिए इस समय, राइट, यही आपका है पल्स ऑक्सीमीटर। इसी से आप लोगों को मेजर करना है क्या, बॉडी में कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन है, राइट। तो हम लोग कह देते हैं दिस इज पल्स ऑक्सीमीटर, इसी से हमें देखना है SpO2, राइट, हम लोग कह देते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। हम लोग कह देते हैं नॉर्मल की बात करें तो ग्रेटर देन 94%, राइट। अगर यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर से आपने देखा लेस देन 94% है, तो चलो इसको हम मॉडरेट में रख देते हैं, ठीक है। अगर लेस देन 90% है तो हम लोग कहते हैं अब डिजीज आपकी सीवियर है, सीवियरिटी ज्यादा है, सीवियर डिजीज, ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमीटर इस समय बहुत महंगे भी हो गए हैं, और सही भी चीज है कि यही आपके रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज को एग्जैक्टली बताते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में कभी कभी सांस नहीं फूलती है, ठीक है, तो भी पल्स ऑक्सीमीटर आपका एसिम्प्टोमेटिक हाइपोक्सिया को बता सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर देख लिए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ आपका पल्स ऑक्सीमीटरी पे ही डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे 94 से कम हो गया तो माइल्ड है, और अगर सॉरी मॉडरेट है, अगर 90 से कम हो गया तो ये चीज आपकी सीवियर डिजीज में काउंट होगी। अब अगर हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करें तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर में तो इस जान गए हैं कहाँ पे रखना है पेशेंट को, राइट, वार्ड में, घर पे या आईसीयू में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ ड्रग्स की भी बात करेंगे और कुछ मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशंस की भी। तो हम लोग COVID-19 मैनेजमेंट की बात करेंगे, बिना सीवियरिटी के मैनेजमेंट नहीं देख सकते थे मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल को देखने के बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि पैथोजेनेसिस कैसे कुछ लोगों में डिजीज बहुत सीवियर हो जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को भी डिटेल में लेके पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट को भी, राइट। आइए, अगर मैनेजमेंट की बात हो तो हमेशा की तरह हम लोग कहेंगे कि कुछ इन्वेस्टिगेशन प्लान करेंगे। एक भी इन्वेस्टिगेशन आज नहीं पढ़ाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन किसी भी डिजीज को मैनेज करते हो, मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं किसके बेसिस पे, वेदर द डिजीज इज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो हम लोग कहते हैं सीबीसी से लेके, एक्सरे से लेके, सीटी थोरेक्स से लेके, ठीक है, सीआरपी से लेके, एलएफटी से लेके, केएफटी से लेके, इंटरल्यूकिन 6 से लेके, डी डाइमर से लेके, हमें काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे, ठीक है, प्रोकैल्सीटोनिन। तो आइए थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन या किन किन ग्रुप्स के इन्वेस्टिगेशन हमें कराने हैं। फिर उसके बाद देख लेंगे कि क्या क्या ड्रग्स अवेलेबल हैं जो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड पे पेशेंट को दे रहे हैं। एक एक लाख का रेमडेसिविर लेके आ रहे हैं, पता नहीं वो क्या ही फायदा कर रहा है, लेकिन हाँ कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, किसी की जान बच जाए, लोग सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। 10-10 हज़ार में ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल रहा है। चलो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस, राइट, इन्वेस्टिगेशंस नीडेड इसमें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ COVID-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। हम लोग कहते हैं RT-PCR से स्टार्ट करते हैं, पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि भाई साहब को कोरोना ही है या कोई और डिजीज है, राइट। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो केवल आज वो बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखेंगे जिसे हमको कराना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ट है हमारे पास, काफी सारे इन्वेस्टिगेशन हैं, डिटेल में किसी को नहीं देखेंगे, आप लोग घर पे देखिएगा डिटेल में, कल डिस्कस जब करेंगे तो डिटेल में जाएंगे इसके। पहले जान तो लो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करना। इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हैं, और पता है इसमें भी अभी सेकेंड ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन मैंने लिखे नहीं है। तो इतने इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे पास और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग कहते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हम लोग पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ज्यादातर पॉस्टीरियर एंटीरियर व्यू, और फिर हम लोग कहते हैं सीटी स्कैन कराते हैं, किसका, सीटी थोरेक्स, राइट। ये दो इन्वेस्टिगेशन और बचे हुए हैं। आजकल इंसान सबसे पहले अपना सीटी स्कैन ही करा लेता है, चलो ठीक है उसको छोड़ो। तो यहाँ पे हम लोग बात करें इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करोगे? सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि पेशेंट को कोरोना है भी कि नहीं है। हम लोगों को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नेजल और ओरल स्वैब से कराना है, नेजल और ओरल या फेरिंजियल स्वैब कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से तुम लोगों का भी हुआ होगा, समझ रहे हो कैसे होता है, हम लोग आगे चल के देखेंगे भी। पल्स ऑक्सीमीट्री, राइट, हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, हमने कह दिया कि चलो कोई बहुत ज्यादा लकी है, SpO2 94% से ज्यादा है, वेरी नाइस। फिर हम लोग कह रहे हैं आर्टीरियल ब्लड गैस, पल्स ऑक्सीमीटर भी अगर ऑक्सीजन कम है बताएगा, ABG मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस, ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को। आर्टीरियल ब्लड गैस ये बताता है पार्शियल प्रेशर, परसेंटेज नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग कह देते हैं PaO2 80-100 mm ऑफ मर्करी नॉर्मल होता है, ठीक है, इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। सीबीसी की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन देख लेंगे, TLC देख लेंगे, DLC देख लेंगे, राइट, दुनिया भर की चीजें और देख सकते हैं, GBP वगैरह। फिर उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबोलिक पैनल, राइट, हम लोगों को कुछ और भी मेटाबोलिक पैनल में देखना है, जैसे हम लोगों को देख लेना है कि बॉडी में, सॉरी, कॉम्प्रिहेंसिव पैनल में हमें देखना पड़ेगा कि इंसान का LFT कैसा है, SGOT कितना है,
एसजीपीटी कितना है, एलडीएच वगैरह कितना है, ठीक है। तो हमें मेटाबॉलिक पैनल भी कराना है, ग्लूकोज लेवल भी देखना है, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया दोनों डेंजरस हैं। फिर उसके बाद डी डाइमर आजकल काफ़ी फैशन में चल रहा है, डी डाइमर, तो हम लोग कोगुलेशन प्रोफाइल करा लेते हैं जिसमें मेनली हम लोग डी डाइमर कराते हैं। आगे चल के देखेंगे ये डी डाइमर क्या बला है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है। फिब्रिनोजन लेवल भी करा सकते हैं, फिब्रिनोजन लेवल जो लैब्स आजकल काफ़ी कर रही हैं, एस जी ओ टी पी टी एल डी एच और डी डाइमर। इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि पेशेंट में कार्डियक बायोमार्कर्स भी कराएंगे, ठीक है, जैसे सी पी के एम बी एन ऑल, सी रिएक्टिव प्रोटीन बिल्कुल कराना है, ये बताएगा कितना इन्फ्लेमेशन है, ई एस आर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल नाम ले रहे हैं, ठीक है। एल डी एच कराएंगे, एल एफ टी में हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे एक और इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जिसकी वजह से हम लोग मानते हैं ए आर डी एस एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब लंग डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब चलो निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इंटरल्यूकिन सिक्स भी कराते हैं, प्रोकैल्सिटोनिन भी कराते हैं हम लोग, अगर मान लो किसी को सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है। जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसी के ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब नहीं भी कोविड निमोनिया है उसके ऊपर बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, तो कोविड से तो बेचारा किसी तरीके से बचा लेकिन बैक्टीरियल से नहीं बच पाया। सीरम फेरिटिन लेवल, सी बी सी सी आर पी फेरिटिन, ये सब आपके एक्यूट फेज रिएक्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम लोग कह दे रहे हैं पेशेंट का एक्सरे और सी टी थोरेक्स भी प्लान कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन एक भी नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन क्या मेन मेन इन्वेस्टिगेशन हैं ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे इसको समराइज कर लेते हैं, एक एक इन्वेस्टिगेशन आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में हमें हमेशा स्टार्ट करना है कहाँ से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, राइट। नेजल और फेरिंजियल स्वैब से बात करेंगे आगे। कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है ताकि हमें पता चल जाए प्लेटलेट्स कितने हैं, आरबीसीज कितने हैं, डब्ल्यूबीसीज कितने हैं। अक्सर वायरल डिजीजेज में सब कम हो जाते हैं क्योंकि वायरल डिजीजेज में थोड़ा बहुत बोन मैरो की फंक्शनिंग कम हो जाती है। फिर हम लोग कह देते हैं पेशेंट में हम लोग क्या कराते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल कराते हैं और कुछ आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, जैसे हम लोग कहते हैं सी आर पी, डिटेल देखेंगे, ई एस आर, सीरम फेरिटिन, और कैसे भूल सकते हो आप लोग आजकल इंटरल्यूकिन सिक्स एंड प्रोकैल्सिटोनिन, ठीक है। ये सब आपके पैनल में आजकल हो रहे हैं, खासकर इंटरल्यूकिन सिक्स, सी आर पी, ई एस आर, फेरिटिन, राइट, सीरम फेरिटिन लेवल। इसके अलावा हम लोगों को कोगुलेशन प्रोफाइल भी कराना पड़ता है, कोगुलेशन प्रोफाइल, कोगुलेशन प्रोफाइल में मेनली हम लोग कहते हैं पेशेंट का डी डाइमर कराते हैं और दूसरा फाइब्रिनोजन लेवल, फाइब्रिनोजन लेवल, ठीक है। और भी हम लोग पेशेंट का एल एफ टी, के बी, के एफ टी भी कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसमें हम लोग देख लेते हैं एस जी ओ टी, एस जी पी टी, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें हम मेनली देख लेते हैं सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेडियोलॉजी में हम लोग देख लेते हैं चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू और सीटी स्कैन करा लेते हैं थोरेक्स का। एक एक चीज इनमें से डिस्कस किया जाएगा, ये बताया जाएगा कब नॉर्मल है कब एबनॉर्मल है, सीटी वैल्यू क्या होता है, सीटी स्कोर क्या होता है, कब इंटरल्यूकिन सिक्स जब बढ़ जाता है, कब प्रोकैल्सिटोनिन बढ़ जाता है, ई एस आर, सी आर पी, एक्यूट फेज रिएक्टेंट, इन सब का क्या मतलब है, ठीक है। तो मेन मेन जो आपके पैनल के इन्वेस्टिगेशन हैं वो यही है, इतने इन्वेस्टिगेशन मोर देन एनफ है। और फाइन लेवल पे जाएंगे तो इनमें से देखेंगे कि और हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं। अब वापस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे आइए, अपने पहले चार्ट पे।
ठीक है, तो इसको अगर हम जूम कर दें, माइल्ड डिजीज में पहले आप लोग देख पा रहे हो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते थे, अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का रोल ऑब्सलीट मान लिया गया है। अब हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जगह क्या कह देते हैं कि पेशेंट को डॉक्सी दो, डॉक्सी साइक्लिन, आइवरमेक्टिन दो, एजिथ्रोमाइसिन दो, बाकी मल्टीविटामिन, लिम्सी, पैरासीटामोल, कॉफ सिरप, ये सब तो आप लोग दे ही सकते हो। यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में यहाँ पे बता रहे हैं कि रेमडेसिविर स्टार्ट कर दो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे दो, ये भी चेंज हो गया है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे दो, मतलब स्टीरॉयड, और अगर आपका डी डाइमर गड़बड़ है तो एनोक्सा पारिन वगैरह दे दो। जब हम लोग कहते हैं सीवियर डिजीज हो गया है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुछ एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर दे दो, मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे दो और टॉसिली जुमैब दे दो, ठीक है। टॉसिली जुमैब भी आपका इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बार बार पेशेंट में हम लोगों को इंटरल्यूकिन 6 भी आजकल कराना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस, ये सारे ट्रीटमेंट्स रोज चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो करंट गाइडलाइन है दुनिया भर की रिसर्च और रैंडम ट्रायल से पता चला है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं, एकदम लास्ट में देख लेते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, तो मेन हम लोग कहते हैं अगर किसी को माइल्ड डिजीज है तो हम लोग कह देते हैं पेशेंट को आइवरमेक्टिन दीजिए, पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, ठीक है, और पेशेंट को कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट और मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, कॉफ सिरप वगैरह आगे चल के देखेंगे। अगर मान लीजिए पेशेंट में सीवियरिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, यहाँ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि होम आइसोलेशन में रखें, राइट। अगर सीवियरिटी इंक्रीज कर जाती है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा, मॉडरेट डिजीज। तो यहाँ पे हम लोग एडमिट कर लेते हैं, कहाँ पे एडमिट कर लेते हैं हम लोग, वार्ड में, ठीक है, अभी वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत नहीं है, तो वार्ड में एडमिट करके हम लोग पेशेंट को मैनेज करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब रोल स्टार्ट हो जाता है आपके कुछ एंटी वायरल ड्रग्स की, और दूसरा रोल स्टार्ट हो जाता है आपके स्टीरॉइड्स का, तो हमें स्टीरॉइड्स देने हैं पेशेंट को, ठीक है। अगर पेशेंट में मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है तो स्टीरॉइड का रोल आपका काफी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एंटी वायरल ड्रग्स स्टार्ट कर देते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स एंड स्टीरॉइड्स, एंटी वायरल ड्रग्स एंड प्लस माइनस हम लोग स्टीरॉइड्स दे देते हैं, देखेंगे मिथाइल प्रेडनिसोलोन आजकल ड्रग ऑफ चॉइस है, फैबीफ्लू भी देना पड़ता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे तो सब कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऑर्डर वाइज चल रहे हैं। थर्ड हम लोग कहते हैं अगर सीवियर डिजीज हो गई, सीवियर डिजीज हो गई तो हमें एडमिट करना है आईसीयू में, एंटी वायरल ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर, फैबीफ्लू, और स्टीरॉइड्स तो हमें देना ही है, इसके साथ साथ हमें पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी भी देना पड़ सकता है, जो आप लोग प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हो, और इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट भी देना पड़ सकता है, IL-6 एंटागोनिस्ट, टोसिलीमुमैब या जुमैब, ठीक है, और इसके अलावा पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है 60,000 का इंजेक्शन आता है इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट, बेवासी जुमैब, टॉसिली जुमैब, ढेर सारे इंजेक्शन आते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस आपका टॉसिली जुमैब है। तो मेरे ख्याल से जितना इजी करके मैं प्रोटोकॉल बता सकता था उतना बता दिया हूँ, ट्रीटमेंट कुछ डेफिनेट नहीं है, कल को सब चेंज हो सकता है, ठीक है। आइए चैट सेक्शन।